हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्केट वाले पिज़्ज़ा की सीक्रेट रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बिना ईस्ट की सहायता से। तो चलिए, ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना देर की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपने मेडिजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने इस बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको इस सारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे मैदा, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में ये मैदे से बनता है। हम यहाँ पर 1 कप मैदे का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है नमक, जो हम स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे। ये 1 छोटी चम्मच चीनी है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है 2 इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, जो कि हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। 1/3 छोटी चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इसी रेशियो में ही आप लीजिए, तभी ये पिज़्ज़ा का बेस बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, इससे बहुत ही जो चीज़ी पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो बन के तैयार होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 1 कप जो मैदा थी उसको ले लिया है। उसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल रही हूँ। चीनी है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डालने के बाद, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसमें एक, जो कि है दही। हम यहाँ पे ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फर्मेंट करने के लिए इसको दही से माड़ेंगे। तो दही से लगाने के लिए आटा, मैंने यहाँ पर 1/2 कप दही लिया है। और ये जो दही है इसको हम कुछ क्वांटिटी में पहले डालेंगे, यानी मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है। और इसको अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स करेंगे मैदा के साथ, और उसके बाद जो बचा हुआ दही है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इतनी मैदा को लगाने में लगभग 1/2 कप के करीब दही इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा पानी अलग से इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दही के पानी का ही इस्तेमाल किया है। इस तरीके से आप अच्छे से बीट करें मैदा को। जो ये डो है वो अच्छे से नीड होना चाहिए, तो 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। इस तरीके से इसको हल्का पटक पटक कर ऐसे हमें लगाना है, और इसको लगाने के बाद हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। कम से कम 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने दें, और उसके बाद देखिए 2 घंटे बाद ये बेस बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है, अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। हमें इसे ओवर फर्मेंट नहीं करना है। तो चलिए, अब हम इसकी पिज़्ज़ा टॉपिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिए हैं मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और हम टॉपिंग में इस्तेमाल करेंगे नमक। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है तेल, ये सरसों का तेल है जो हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने कुछ पनीर के चंक्स हैं, यानी कि क्यूब्स हैं, उनको मैंने काट लिया है इस तरीके से। 100 ग्राम पनीर है, आप चाहें तो ज़्यादा कम कर सकते हैं। सब्जियों में मैंने यहाँ पर ली है 1 शिमला मिर्च काट कर, बारीक कटी हुई, जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे। टमाटर के भी बीज निकाल के काट लिया है, और 1 प्याज था उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। थोड़ा बड़ा बड़ा ही सब्जी को काटेंगे तो टॉपिंग में स्वाद अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम टॉपिंग के ऊपर एक मसाले की कोटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक खाली बाउल में ऐड किए सारे मसाले, 1/3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही मैंने डाला है 1/3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि बेस में भी हमने नमक डाला है, टॉपिंग में थोड़ा सा नमक डालिए। और उसके बाद हम इसमें पनीर के क्यूब्स को इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल, और इस तरीके से सारे मसाले में इसको कोट कर लेंगे। और अब हम इसको अलग निकाल के रख लेंगे पनीर को। और अब हम इसमें जो बाकी बची हुई वेजिटेबल्स हैं जो हमने काट के रखी थी, उसको भी हम इस तरीके से मसाले में एक बार कोट कर लेंगे। आप चाहें तो सब्ज़ी ऐसे बिना मसाले कोट करे भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा, और ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगी खाने में। तो इस तरीके से मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से टॉस कर लिया है मसाले के साथ। अब मैंने यहाँ पर एक पैन गर्म होने के लिए रखा है, और इसमें जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जो ये मैरिनेटेड हमारे पनीर क्यूब्स थे इनको डाल देंगे। इसको सिर्फ इसलिए डालना है हमें इसमें, ताकि थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए और ये मसाला जो है अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। इस तरीके से हम बाकी जो सब्जियां हैं उसको भी इस तरीके से एक बार पैन में डालकर टॉस कर लेंगे, और इसको भी हल्का सा स्मोकी फ्लेवर इसमें ले आएंगे। इस तरीके से 1 मिनट तक इसको चला के फ्राई करना है, इसमें हमें कोई ऑयल नहीं डालना है। अब हमारी पिज़्ज़ा टॉपिंग प्रिपेयर हो गई है, अब बारी आती है इसको बेक करने की। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरीके का एक फ्लैट पैन लें,
और नीचे एक तवा रख लें जिससे कि हमारा पिज़्ज़ा बेस जले नहीं, और इसके अंदर कोई भी ऐसी थाली जो इसके अंदर सेट हो जाती हो ऐसी प्लेट इसके अंदर रख लें, और इसके ऊपर हम इस तरीके से कवर करके इस तरीके के ओवन में हम गैस पर ही इसको बनाएंगे। तो चलिए पिज़्ज़ा बेस प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मैदा ली है सूखी, इससे डस्ट कर लिया है और इस तरीके से पतली पतली इसकी शीट बेलनी है हमें पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा की शीट बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है बेस को, और इस तरीके से प्लेट को हल्का सा ग्रीस करके इसके अंदर इस पिज़्ज़ा की शीट को हमें लगा देना है, यानी पिज़्ज़ा बेस को इस तरीके से सेट कर देना है। सेट करने के बाद हम इसको हल्का सा फोक की सहायता से या किसी भी चाकू से आप इसके अंदर हल्के से होल्स कर लीजिए, ताकि जो पिज़्ज़ा बेस है वो राइज ना हो, क्योंकि हमने इसको फर्मेंट किया है तो ये राइज हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है तो वो अच्छा टॉपिंग नहीं दिखती है ऊपर से, इसलिए इसमें हल्के से इस तरीके से छेद कर लें। और उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस मार्केट में भी मिलता है और घर में भी इसको आसानी से बनाया जा सकता है। इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे, मोज़रेला चीज़ जो होता है पिज़्ज़ा का, और उसके ऊपर इस तरीके से हम टॉपिंग की सारी सब्ज़ियाँ इसमें लगा देंगे, और उसके ऊपर फिर से हम डालेंगे खूब सारा चीज़, क्योंकि चीज़ से ही पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है। ये देखिए खूब सारा चीज़ डालने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो गया है बेक होने के लिए। अब हम इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट तक इसको अच्छे से पहले प्री हीट कर लिया था तवे को और ये पैन को, और उसके बाद इसमें इस तरीके से रखने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। पिज़्ज़ा बेस हल्का सा नीचे से, देखिए आप इस तरीके से चेक करेंगे, हल्का सा नीचे से पकने लगेगा तब हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से सेट हो जाए इसमें। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हम इसको सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको केयरफुली निकालेंगे चारों तरफ से, अच्छे से चाकू की सहायता से एक बार निकाल कर इसको केयरफुली निकालेंगे ताकि ये टूटे नहीं। और ये देखिए गर्मा गर्म पिज़्ज़ा बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अभी तक भी मेडीज़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है, आप लोगों का जब सपोर्ट मिलता है और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेडीज़ी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़ एंड मोर वीडियोज़। बाय बाय।